हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ विद क्रिएटिविटी में। आज की वीडियो में हम गुलाब जामुन बनाना सीखेंगे। गुलाब जामुन घर पर ही हम सूजी के बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी और इसका 1.5 गुना दूध। आप कोई भी कटोरी, गिलास या किसी के साथ भी अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। मेरे पास कप वगैरह है नहीं, तो मैं इसके लिए अपनी कटोरियों का यूज़ कर रही हूँ। और उसका 1.5 गुना दूध लेके 2 गुना हम चीनी लेंगे। वही सेम कटोरी से हम माप लेंगे। और सेम कटोरी से मापने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रोसेस पे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके ऊपर एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम बनाएंगे अब दूध और सूजी से बैटर। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसको अच्छे से पूरी कढ़ाई में फैलाएंगे ताकि हमारा दूध नीचे ना चिपके। घी जब हमारा पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे दूध, जो हमने दूध लिया है अपना। और दूध को हम चलाते हुए इतना पकाएंगे कि उसमें एक उबाल आ जाए। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर भी और आप कच्चा भी, जो आपके पास हो वो दूध आप ले सकते हैं। जब दूध हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। सूजी को हम धीरे धीरे मिक्स करके ही डालेंगे। एक हाथ से हिलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम दूध सूजी डालते जाएंगे। सूजी और दूध से हम एक आटे जैसा डो बना लेंगे। इसको तब तक हिलाते जाएंगे जब तक ये सूजी इसमें सारी ना आ जाए। और सारी सूजी डालने के बाद इसको लगातार गैस पर चलाते रहेंगे। गैस पर चलाते चलाते ये हमारा डो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और टाइट डो होने के बाद अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे तो हमारा डो ऐसा हो गया कि हम इसको हाथ के साथ छू सकते हैं। इतना ही हमने बनाना है, इसको बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो हम इसको एक अलग परात में निकाल लेंगे जिसमें हम इसको अच्छे से गूंथ सकें, जैसे हम आटा बनाते हैं। वन टेबल स्पून और घी इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद इसको लगातार हम गूथेंगे, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं। इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे और बिल्कुल चिकना करने के बाद हम इसको ऐसा बनाएंगे कि ये नरम हो, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो अब चलते हैं हम चाशनी बनाने की प्रोसेस पे। उस चाशनी बनाने के लिए लेंगे हम एक गहरा पैन। उसके अंदर डालेंगे अपनी चीनी, जो हमने 2 कटोरी चीनी ली थी। दो कटोरी इसमें डालेंगे पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर। फ्लेवर के लिए आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ 2 लौंग और 2-3 इलायची। आप पाउडर भी डाल सकते हैं। बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें एक तार वगैरह कुछ नहीं देखना है, चिपचिपा देखना है। तो अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने के प्रोसेस पे। पहले फ्राई करने के लिए तेल रख देंगे और जो हमने आटा बनाया था उसके हम गोल गोल सर्कल जैसा ऐसा बनाएंगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल गोल शेप में बनाएंगे, कहीं से क्रैक वगैरह ना हो किसी में भी। अच्छी तरह से दोनों हथेलियों के बीच गोल गोल बनाएंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने मीडियम फ्लेम पे ही करना है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है।
और जब ये हमारे ठंडे हो जाएं तो हमें इसे साथ के साथ चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी ध्यान रखें कि चाशनी थोड़ा ज़्यादा ठंडी ना हो, हल्की सी गर्म हो, उसको उंगली के साथ टच करके देख लें, जितनी हम उंगली पे सहन कर सकें इतनी गर्म होनी चाहिए। और इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे और साथ के साथ चाशनी में डालते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने सारे बना लिए और सारों को साथ के साथ फ्राई कर लिया, साथ के साथ ये मैंने चाशनी में डाल दिए थे। अब इनको ढक के हम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि चाशनी इनके अंदर चली जाए। देखिए 2 घंटे बाद बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बिल्कुल सॉफ्ट हैं।